आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं, चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है, एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं, ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इंप्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो, तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए, एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट SEZ, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं, और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि IIS पर मिलेगी, जिसकी GIS मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी, जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा, और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके, और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा।